ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया है, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएगा। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करेंगे और बाथरूम साफ करेंगे वो पहले करेंगे। ये किसने कहा था आपसे? वहाँ इंडियन एम्बेसी ने, अच्छा ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे, जो पहले उन्होंने उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा, जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे वहाँ से, निकलना चाहते। सो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था, आया है बट कहाँ आया। वीडियो तो आपने देख ही लिया है बट इट्स ए शॉकिंग यार, इंडियन एम्बेसी आस्किंग टू स्टूडेंट क्लीन टॉयलेट इफ दे वांट टू बोर्ड फ्लाइट फॉर होम, देयर वी आर गिविन चॉइस टू क्लीन टॉयलेट फर्स्ट टू बोर्ड फर्स्ट, अनबिलीवेबल। मतलब इंडियन एसेंबली में बैठे लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप पहले टॉयलेट साफ करें उसके बाद हम आपको फ्लाइट की टिकट देंगे ताकि आप अपने घर जा सकें, और ये बोलने वाली एक लड़की है। अगर इस तरीके की कोई हरकत हुई है तो सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के बच्चे हैं और इंडियन एम्बेसी में बैठे लोग भारतीय हैं और उन्हें सैलरी भी भारत से ही मिलती है। अगर वह हमारे समाज की, हमारे लोगों की मदद नहीं कर सकते तो शायद वह हमारे किसी काम के नहीं। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि मोदी सरकार की नींद खुल जाए और इस लड़की की बातों पर कितनी सत्यता है इसकी जाँच जरूर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।